दोस्तों दोस्तियों सहेलो सहेलियों मसातो मारोटो भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर कैरियर से होंगे और तो यार जहाँ भी होंगे इंजॉय करे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम प्यारो, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। वैसे यार मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की नेशनल गेम तो हॉकी है, पर कभी देखा या सुना नहीं कि हॉकी का वर्ल्ड कप है। मुझे इतना तुम सब पे यकीन है कि तुम लोगों को भी हॉकी के बारे में कुछ घंटा पता नहीं होगा, लेकिन टेंशन ना लो, आपका भाई है ना। आज उसी घंटे को बजा के आपको हॉकी के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों बेसबॉल और बास्केटबॉल की तरह हॉकी की शुरुआत भी मर्की में हुई थी, लेकिन उससे भी पहले कुछ किताबों में कहा जाता है कि हॉकी का एक ओल्ड वर्जन था जो कि फ्रेंच और आयरिश लोगों के दरमियान खेला जाता था तकरीबन 1700 में। फिर उसके बाद कहीं इस हॉकी ने जन्म लिया। फैक्ट नंबर टू, दुनिया की सबसे पहली हॉकी की इंडोर गेम 3 मार्च 1875 में मोनोट्रियल्स विक्टोरिया स्केटिंग रिंक में खेली गई थी और वो कोई ऑर्गेनाइज्ड मैच नहीं थी बल्कि एमसी ग्रिल यूनिवर्सिटी के लड़कों के दरमियान बस एक प्यार मोहब्बत वाली मैच थी। अब उन्हें क्या मालूम था कि ये गेम इंडोर में सबसे पहले वो लड़के ही खेल रहे हैं। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों हॉकी में जो बॉल यूज होता है वो बॉल नहीं होता। मगर क्यों सालों क्रिकेट देख देख के ना तुम्हारा दिमाग खत्म हो गया है। हॉकी में पक यूज होता है और वो जस्ट 3 इंचेस का होता है डायमीटर में। फैक्ट नंबर फोर, NHL नेशनल हॉकी लीग 22 नवंबर 1917 में बनी थी। फैक्ट नंबर फाइव, हॉकी की तारीख में सबसे तेज तरीन स्लेप शॉट बेबी हल्स का था जो कि 118 माइल्स पर आवर की टॉप एंड स्पीड अक्वायर कर गया था। फैक्ट नंबर सिक्स, आमतौर पे हॉकी की गोल नेट 6 फीट कुशादी और 4 फीट ऊंची होती है। फैक्ट नंबर सेवन, आजकल हॉकी का पक रबर से बनाया जाता है, लेकिन इनिशियली पक स्पेशल मेटल से बनाया जाता था और उससे ही गेम खेली जाती थी। फैक्ट नंबर एट, नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने के लिए उन्हें 2 टन्स के हॉकी के पक से ट्रेन करती है। हाउ वेटी इज द पक सर यार। फैक्ट नंबर नाइन, हॉकी एक गेम है जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है और पाकिस्तानियों को इस खेल में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो, जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।